माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। जो बिना मतलब की चीज में मतलब निकालते हैं। देखिए उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। तो गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। कल बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक अशोक चौधरी ने ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद से लगातार बिहार की सियासत तेज है। बता दें कि जहां एक तरफ पक्ष में उनके लिए कई नेता खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात कर ले तो विपक्ष के तरफ से भी अशोक चौधरी के उस पोस्ट को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले हम आपको वो पोस्ट दिखा दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको बाकी की पूरी जानकारी देंगे। आपके स्क्रीन पर एक पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये एक महज कविता है और इस कविता की वजह से ही अशोक चौधरी अब विपक्ष के टारगेट पे आ गए हैं। कविता क्या है ये भी हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। तो आप ये जो कविता देख रहे हैं, दरअसल ये एक पोस्ट है जो अशोक चौधरी की तरफ से किया गया है और इस कविता में अशोक चौधरी ये कहते नजर आए हैं कि छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा जो शब्दों का इस्तेमाल है इसमें वो अशोक चौधरी द्वारा किया गया है और इस कविता के बाद तस्वीरें जो सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या सच में अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। विपक्ष यही कह रही है कि ये पोस्ट अशोक चौधरी के लिए, पर अशोक चौधरी जो है इस पूरे बात से मुकरते नजर आए। जब ये पोस्ट सामने आया इसके बाद हम आपको बता दें कि अशोक चौधरी सीएम आवास पहुंचे, दौड़े सीएम आवास पहुंचे, वहां पर उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो जो पोस्ट है उससे ठीक विपरीत उनके शब्द निकले। उन्होंने कहा कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये भेजा था और मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा, आजकल के बच्चों के लिए सोचकर दिमाग में मैंने इसे पोस्ट किया। अशोक चौधरी ने इस बात से मुकर होकर के ये बात तो कही कि ये पोस्ट उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर के नहीं कहा, पर जो जदयू के और भी नेता हैं, बात कर ले अगर नीरज कुमार की, जो जदयू के बड़बोले प्रवक्ता हैं, अपने बातों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया इस पोस्ट को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उस पे। वो ये कहते नजर आए कि सीएम नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणी कैसे की जा सकती है। अब हम आपको नीरज कुमार का भी बयान सुनाएंगे। इसके अलावा बता दें कि ललन सिंह जी हाँ केंद्रीय मंत्री, इनका भी बयान सामने आया, इन्होंने भी इस पोस्ट को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो अशोक चौधरी की साइड ली है। पहले आप नीरज कुमार और ललन सिंह द्वारा जो बयान दिया गया है इस पोस्ट को लेकर के वो सुन लीजिए। अरे माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं, 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया, तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहे। ले लिए। अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किया है बिना मतलब की चीज में मतलब निकालते हैं। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है, कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी के बारे में ट्वीट पर क्या बोलेगा? तो अनावश्यक आप लोग विवाद को विवाद पैदा करते हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से ललन सिंह और नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से अशोक चौधरी द्वारा किए गए पोस्ट पर उनका
साइड लेते हुए दोनों नेता नजर आए। अब हम आपको बता दें कि इसके बाद से सियासत तेज है। सियासत इसलिए तेज है क्योंकि सभी विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ये पोस्ट सीएम नीतीश कुमार पर किया गया है। बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का बयान सामने आया। इधर एनडीए गठबंधन में शामिल उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए ये कहा कि ये जो टिप्पणी की गई है अशोक चौधरी की तरफ से, ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक वाली चीज है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं मुकेश सैनी और उपेंद्र कुशवाहा, हम आपको वो भी सुना देते हैं। देखिए, उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। उन्हें कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है? नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। कैसे उन्होंने किया सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसको तो बहुत ही आपत्तिजनक उनका। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरीके से एनडीए गठबंधन में होते हुए जो उनके पार्टी के जदयू के नेता हैं अशोक चौधरी हैं, उनके बयान को आपत्तिजनक बता दिया, उनके पोस्ट को आपत्तिजनक बता दिया। इधर हम आपको बता दें कि मुकेश सैनी का भी बयान सामने आया है। हर एक व्यक्ति का उम्र होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को बिहार में साथ देना चाहिए और अभी एक समय हो गया उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, अभी तो जानकारी प्राप्त हो रहा है जिस तरीके से उनके पार्टी के उनके नेता ही अभी इस तरीके से बात रख रहे हैं। तो खैर, निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। पर लगातार विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो इस पूरे ट्वीट पर, इस पूरे पोस्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि अशोक चौधरी ने ये पोस्ट सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा है। अब हम आपको अंतिम में एक पोस्ट दिखा दे रहे हैं। एक पोस्ट अशोक चौधरी ने सीएम आवास के बाहर जब वो आए, इसके बाद उन्होंने तुरंत ही पोस्ट की। जिस प्रकार से बयानबाजियां तेज थी, उनसे पत्रकारों ने घेर कर सवाल किया कि सब ये कह रहे हैं कि आपने सीएम नीतीश कुमार पर ये पोस्ट किया है, तो अशोक चौधरी इससे मुकरते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे ये अच्छा लगा, मेरे पास मेरे किसी मित्र ने भेजा था तो मैंने इसे पोस्ट किया। ये कोई भी पॉलिटिकल चीज से नाता इस पोस्ट का नहीं है, ये पॉलिटिकली कोई एजेंडा इसका नहीं है, इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकली मैंने सोचकर पोस्ट नहीं किया। हम आपको वो जाते जाते पोस्ट दिखा दे रहे हैं। देखिए, पहले की तरह ही अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार के साथ मुस्कुराते नजर आए हैं। तो अशोक चौधरी ने जैसे ही सवालों के कटघरे में वो आए हैं, इसके बाद से लगातार विपक्ष उन पर सवाल खड़ी कर रही है। विपक्ष ये कह रही है कि अशोक चौधरी का ये पोस्ट सीएम नीतीश कुमार के ऊपर। इधर मुकेश सैनी का बड़ा बयान सामने आया जो हमने आपको सुनाया, जिसमें मुकेश सैनी ये कहते नजर आए हैं कि सीएम नीतीश कुमार पर अगर ये पोस्ट है भी तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की अब उम्र हो चली है और अब उन्हें जो कमान है वो अपने आगे के पीढ़ी को दे देनी चाहिए। तो साफ तौर पर अब अशोक चौधरी का बस एक पोस्ट सियासत बन चुका है बिहार का। इस पे तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक एक करके। पक्ष की अगर बात कर ले तो अशोक चौधरी के पक्ष में भी नेताओं का बयान सामने आया है। ललन सिंह कल रात एयरपोर्ट पर थे और इस दौरान वो गुस्से में नजर आए। इस पोस्ट को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो काफी गुस्से में आया ललन सिंह। इधर उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात कर ले तो उन्होंने इस पोस्ट को आपत्तिजनक बताया। नीरज कुमार की अगर बात कर ले तो नीरज कुमार ने भी ये कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कोई कैसे कर सकता है, 18 साल है उसमें कार्यकाल रहा है सीएम नीतीश कुमार का और बेदाग नेता है। और इधर विपक्ष की अगर बात कर ले तो विपक्ष की तरफ से मुकेश सहनी द्वारा क्या कुछ कहा गया ये हमने आपको सुनाया और अशोक चौधरी का वो पोस्ट भी हमने आपको दिखाया। साथ ही
जब सवालों के घेरे में रहे अशोक चौधरी, तो इस दौरान उन्होंने इस पूरे पोस्ट को किस तरीके से नॉर्मली बताते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, ये भी हमने आपको दिखाया और वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें पहले की तरह ही अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार से गले मिलते नजर आए हैं और ये कहते नजर आए हैं कि बोलने वालों को बोलने का मौका चाहिए, ऐसी बातों को छोड़ दीजिए। तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से अशोक चौधरी पर विपक्ष निशाना साध रही है, क्या सही में ये पोस्ट अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर ही किया था, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के मन नहीं मिल रहे हैं और वो कांग्रेस की तरफ या फिर दूसरे पार्टी की तरफ जा सकते हैं, जदयू का दामन छोड़ सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर अशोक चौधरी द्वारा यह किया गया पोस्ट क्या सीएम नीतीश कुमार के लिए था या नहीं था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे Facebook, Instagram और Twitter पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।